दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने के लिए आखिरकार सरजमी पर उन्हीं की कदम रख दिए हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नई प्लेइंग 11 टीम लेकर। तो आखिर क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट, किसने बना लिए कितने रन, कौन पहुँच गया है शतक के करीब, सब आपको लाइव वीडियो में दिखाने जा रहे हैं मैच की। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से पहला वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही जब भी आमने सामने होती है तो हर एक फैंस का तो खून खौलता ही है, और साथ में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह से खदेड़ दे। लेकिन दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत टीम है कि भारतीय टीम भी इसके आगे कभी कभार तो घुटने ही टेक देती है। और अभी WTC के फाइनल मुकाबले में जिस तरह से भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, उसके बाद ये बदला लेना तो लाजमी लगता ही है। और अब टीम इंडिया के खिलाड़ी बेजोड़ मेहनत करते हुए यहाँ पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में भाग ले रहे हैं। और आपको हम बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के ही मैदानों पर खेली जा रही है, जहाँ पहला वनडे मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है, जहाँ आप सभी इस मुकाबले को लाइव अपने टेलीविजन से आज दोपहर से ही देख पा रहे हो। और वहीं हम आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमान संभाल रखी है स्टीव स्मिथ ने। हालांकि पैट कमिंग्स टीम से बाहर चल रहे हैं चोट के कारण, जिसकी वजह से यहां पर अब मुकाबला बेहद ही रोमांचक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक छोर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ भारत की टीम पर अकेले काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। और अब ऐसे में अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकोगे। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप दिखाई जा रही है। हालांकि दोस्तों, यह मुकाबला रोमांचक होने के साथ साथ यादगार भी होगा, क्योंकि टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी चाहेगा कि कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही वनडे मुकाबले से रौंदना शुरू किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हेड टू हेड के आंकड़ों के बारे में जाने तो अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर वनडे इंटरनेशनल में 146 मैचों में भाग लिया है। और दोस्तों, 146 मैच में से 54 मैच भारत की टीम ने जीते हैं, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 82 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने में कामयाब हुई है। तो ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा कमजोर है, और ऐसा लगता है कि टीम इंडिया यहाँ वनडे श्रृंखला में भी मात खा सकती है अगर उन्होंने अच्छे से बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं की तो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर टीम में तो कई बड़े बदलाव भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को करने बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तभी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराने में हमारी टीम कामयाब हो पाएगी। वहीं अगर बात कर लें टीम के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने तो अपनी प्लेइंग 11 में 7 से 8 बड़े बदलाव कर डाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक बदलाव किया। यहां पर अगर बात की जाए खिलाड़ियों के बारे में, तो दोस्तों यहां पर पहले भारत की टीम बताते हैं, जहां भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं मध्यम क्रम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो होगी शुरुआत के खिलाड़ियों की लिस्ट। वहीं बात करें अगर गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को खिलाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम। वही बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्स पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वही मध्यम क्रम संभालेंगे स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, कैमरोन ग्रीन और जॉश इंग्लिश। वहीं फिर ऑलराउंडर में भूमिका निभाएंगे ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, और गेंदबाजी में सीन एबॉट, मिचेल स्टार्क और एडम जाम्पा को मौका दिया गया है। तो दोस्तों, यही होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम, जो कि आपस में भिड़ने जा रही है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।